Addis FM and Miss Sam presenting news updates. Assalamu alaikum nazreen, aaj ki ahem khabron ke sath main hoon Durre Sameer. दहशतगर्दों का फिर बलूचिस्तान पर वार, क्वेटा का अम तार तार, हजारा जंदी की सब्जी मंडी में खुद कुछ धमाका, जाबाक अफराद की तादाद 20 हो गई, 48 अफराद जख्मी, कई की हालत तश्वीशनाक, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाए वकुआ को सील कर दिया, शवाहिद जमा. दुश्मन मुल्क में बदमनी फैलाना चाहते हैं, बलूचिस्तान अहम सूबा है, इसलिए दुश्मन निशाना बना रहा है, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे. वजीर दाखला बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम दुश्मन को नाकाम बनाने का अज्म, सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास तलब. दहशतगर्द किसी रियाद के मुस्तहिक नहीं, सदर वजीर आजम समेत सियासी और समाजी शख्सियात की क्वेटा धमाके की शदीद मजम्मत. वजीर ममलिकत बराए दाखला शहरियार आफरीदी ने धमाका मुसलमानों को तकसीम करने की कोशिश करार दे दिया, साजिश नाकाम बनाने का ऐलान. मोदी इलेक्शन हारा तो हमारे अंदरूनी मामला खराब कराने की कोशिश करेगा, वजीर रेलवे ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मजीद दहशत गर्दी का खदशा जाहिर कर दिया. आइंदा 3 माह अहम करार, शेख रशीद की एक बार फिर नून लीग पर कड़ी तनकीद. पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय पा गए, सिर्फ एक नुक्ते पर बातचीत जारी. वजीर खजाना असद उमर जल्द मुआहदा होने के लिए पुर उम्मीद, कहा प्रोग्राम से पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आएगी, कुछ लोगों के सबब IMF के पास जाने पर मजबूर हुए. साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तिब्बी मुआयने के लिए फिर शरीफ मेडिकल सिटी आमद, न्यूरो सर्जरी और न्यूरो साइंसेज के माहिर प्रोफेसर की निगरानी में साबिक वजीर आजम का चेकअप और मुख्तलिफ टेस्ट भी हुए. आमदन से ज्यादा 60,000 मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, तलबी पर हमजा शहबाज नैब में पेश, बैंक अकाउंट फॉरन करेंसी अकाउंट से मुतालिक सवाल और जवाब और पूछगछ. लीगी रहनुमा ने 17 अप्रैल तक उबूरी जमानत हासिल कर रखी है, नैब ऑफिस के बाहर मतवालों की बड़ी तादाद मौजूद. पीपल्स पार्टी ने आज झोटी में पावर शो किया, स्टेज सजा, कुर्सियां लगी, जियालों की भरपूर शिरकत, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया. खूबसूरत मस्जिद का रूप धार लिया, फिजा नारे तकबीर से गूंज उठी. FM Hadith 72 is available on Play Store. Download now. This news update brought to you by FM Hadith 72, the voice of Seoul.